हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पालक रोटी की सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे पालक की सब्जियाँ ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पालक हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ना पालक की रोटी बना के देखे कि वो कैसी लगती है। तो जो लोग पालक के लिए ना बोलते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, उनको हम ऐसी रोटी बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले पालक को धो के अच्छे से गैस पे 2 से 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे और फिर इन पालक के पत्तों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पालक के ठंडा होने के बाद अब हम मिक्सी में इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए मैंने ऐड किया है 1 बारीक टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। पालक का पेस्ट हमारा रेडी है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा और इसमें ऐड किया है स्वाद अनुसार नमक और ऐड करूँगी 1 कटोरी वो पालक का पेस्ट। अच्छे से आटा गूंद लेंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। जैसे नॉर्मल आटे की रोटियां बनाते हैं, सेम उसी तरीके से इस डो की भी रोटियां बेल लेंगे। आप देख सकते हैं ये रोटी कितनी फुली फुली बनी है। सेम इसी तरीके से बाकी के डो की भी मैंने सारी रोटियां बना ली है। इसके ऊपर मैंने देसी घी ऐड किया है। खाने के बाद मुझे पता चला कि इन रोटियों का टेस्ट भी नॉर्मल रोटी की तरह ही था, ऐसे कुछ अलग नहीं लगा मुझे, एक्चुअली अच्छा ही था। सो दिस वॉज माई टुडेज लंच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।